अभी ये आप क्या कर रही हैं? झूठ कहे तो कहो गौरी, हम तो ये देख रहे थे ना कि कल के पगराम की फोटो अखबार में छपी है कि नहीं। भाभी आप भी ना, जब आपने पूरा प्रोग्राम अपनी आंखों से ही देख लिया है तो ये न्यूज़पेपर में क्यों? तू भी ना गौरी, ये फोटो अपने लिए थोड़ी ना होती है, ये फोटो तो दुनिया को दिखाने के लिए होती है। तुझे पता है हमारी सहेलियां और आस पड़ोस ने ना अपने बच्चों की खुद अखबार में फोटो छपा कर दिखाया करती थी। यहाँ हमारी ननद तो इतनी प्रसिद्ध हो गई है तो। भाभी आप भी ना, इतना ढूंढने की क्या जरूरत है, अगर छपी होती ना तो एक ही न्यूज़पेपर में दिख जाती। तू तो दिख जाएगी गौरी, मिर्जापुर में आस पड़ोसियों को पता तो चलना चाहिए कि मुंबई में आके हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। देखना मिर्जापुर को याद करते करते ना आज हमारा मन ना लिट्टी चोखा खाने का हो गया। चल हम बनाते हैं, तू ना मेरी मदद कर। भाभी आज कुछ सीधा साधा ही बना लीजिए ना, आज मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो रही है। क्या हुआ गौरी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाभी तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये देर रात की पार्टीज, देर से खाना खाना, आप तो जानती है ना ये सब हमने कभी नहीं किया, नियम से चलने वाले लोग हैं हम, और अचानक ऐसे ये सब। झूठ कहे तो कहो गौरी, ये बड़े लोगों की ना आदत ही होती है देर से खाना खाने की। तू भी अब बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगी है ना तो ये आदत डाल ले, समझी? लेकिन भाभी मुझे नहीं पता था कि ये सब भी करना पड़ता है। चल छोड़ ना, तू थक गई है ना, चल हम अकेले ही ना लिट्टी चोखा बना लेते, तू आराम कर। ये तो मिर्जापुर का कोड है, लेकिन घर का नंबर तो नहीं है, कौन हो सकता? हेलो गौरी जी नमस्कार, पहचाना आपने? नहीं कौन? वाह जरा सा स्टार बन गई, सारे दोस्तों को भूल गई और अपने राखी वाले हाथ को भी भूल गई। संगम भैया आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे? अरे इतने सारे सवाल एक साथ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। अच्छा सुनो, एक जरूरी काम से तुम्हें फोन किया है। हाँ हाँ अच्छे से जानती हूँ, जब तक काम नहीं होता ना आप फोन नहीं करते। याद थोड़े ना आती है मेरी। अब रहने दो तुम, ठीक है अगर मुझे याद नहीं होता ना तो पूरे मिर्जापुर के चौक पे सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर बड़े वाले पर्दे पे तुम्हारा नचले इंडिया का फाइनल नहीं देख रहे होते। सच्ची? जैसे हम पहले फिल्म देखते थे वैसे? अच्छा सुनो, यहाँ सब लोग तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चों ने तो अपने घर में तुम्हारा पोस्टर लगा लिया है। सच्ची भैया? हाँ बिल्कुल सच्ची बोल रहा हूँ, इसीलिए हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब तुम्हें एनुअल डे पे अपना चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। सच? आप सच कह रहे हैं भैया? नहीं नहीं, टाइम पास करना अच्छा लगता है इसलिए तुम्हें फोन किया है। भैया मेरा अपना स्कूल मुझे चीफ गेस्ट बनाना चाहता है। हाँ गौरी एनुअल डे 15 तारीख को है, और इस बार 2-3 दिन पहले ही आ जाना, जब पिछली बार आई थी तो ढंग से बात भी नहीं हो पाई थी तुमसे। शिव जी के कृपा से हमने अपने बॉस को मना लिया है, और गौरी उन्हें पसंद भी बहुत है, बाकी का काम बस आप लोगों को संभालना है। You're right. अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ मिसेस सानी, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च इस महीने के एंड में है ना? शिव जी की कृपा से 25 तारीख को है, तो उससे पहले पहले हमारा एडवर्टाइजमेंट तैयार हो जाना चाहिए। ओके, हम 15 को एड की शूटिंग कर लेंगे और 20th को आपके हाथ में एड आ जाएगी, इज इट ऑल राइट? बिल्कुल परफेक्ट शिव जी की कृपा से, तो बस शिव जी की कृपा से श्री गणेश शुरू करवाइए। March 15 यानी सैटरडे। संगम भैया मैं पहुंच जाऊंगी, आप प्रिंसिपल साहब से कह दीजिएगा। बाय। ओ ओ ओ सुन 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 गौरी, स्लो स्लो, आराम आराम से बता। सिर्फ तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मेरे साथ अभी अभी क्या हुआ। तुम्हें पता है मेरे अपने स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे एनुअल डे पर चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट किया है। वाओ सही है यार, और कोई मिला नहीं था क्या उन्हें? बाय, मैं फोन रख रही हूँ। ओए ओए ओए, पागल है क्या? मजाक कर रहा हूँ यार, तू सरप्राइज्ड होगी, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। अरे मिर्जापुर की इतनी बड़ी स्टार बन गई है यार तू। जिसने मिर्जापुर का नाम भी नहीं सुना था वो आज तेरी वजह से मिर्जापुर की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। सोच
कैसे लाइन लगा के वेट करे होंगे तेरे ऑटोग्राफ के लिए। बस 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 चढ़गी में चने की झाड़ पर। अरे नहीं बाबा, मैं मजाक नहीं कर रहा। तेरे हार्ड वर्क ने, तेरी मेहनत ने, इन सब की वजह से तो तू नेशनल इंडिया का कॉम्पिटिशन जीती है। नहीं सर, मैं नेशनल इंडिया का कॉम्पिटिशन तुम्हारी वजह से जीती हूँ। मेरी माँ तू डिजर्व करती थी। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं डिजर्व करती हूँ। ओए मैडम, देखो शिव आगे सुनो, कॉम्पिटिशन में जो कुछ भी होना था वो हो गया, पर अब हम दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है? हाँ बाबा, मजबूरी है पर ठीक है। ओ मिस्टर पांडे, कोई मजबूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो अभी भी जा सकते हैं। आपके लिए इस घर के दरवाजे बाहर निकलने के लिए हमेशा से खुले हैं। हाँ हाँ, तू तो चाहती है कि मैं बाहर निकल जाऊँ ताकि तू मिर्जापुर अकेली जा सके। अच्छे से जानती है ना कि मुझे मिर्जापुर में कितना मजा आता है, वो भी स्कूल फंक्शन। वाह, अब तो तुम भी चलोगे? चलूंगा, अरे चलूंगा ही नहीं, तालियां और सीटियां भी बजाऊंगा जब तू स्टेज पर आएगी। मिस्टर पांडे, हम स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पे ये सीटियां बजाना अलाउड नहीं होता। ओए मिस मिर्जापुर, अगर तू ये बोल रही है ना कि स्कूल फंक्शंस में सीटियां नहीं बजती, मतलब तूने आज तक कोई स्कूल फंक्शन अटेंड ही नहीं किया। जब एक खूबसूरत सी लड़की स्टेज पर आती है ना तो सीटियों की बारिश हो जाती है। अच्छा अच्छा सुन, मुझे ना बहुत अर्जेंट काम से जाना है, तो मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, संत मेरा वेट कर रहा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय। और